नमस्कार दोस्तों, आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह भारतीय फिल्मों के एक बहुत बड़े अभिनेता रह चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर जी की। आज 30 अप्रैल 2020 है और यह आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बेकार है, क्योंकि आज हमारे एक बहुत बड़े अभिनेता हम लोगों के बीच में से जा चुके हैं, जिनका नाम है ऋषि कपूर। पूरा भारत अभी कोरोना वायरस से भी परेशान है, उसी बीच में कुछ ऐसे दुखद समाचार भी हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम ऋषि कपूर जी के बारे में कुछ चर्चाएं करेंगे, उनके जन्म से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित, उनके फिल्म से संबंधित, उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित आज हम कुछ चर्चाएं करेंगे। ऋषि कपूर जी का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था और आज उनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो चुका है। ऋषि कपूर ने भारतीय फिल्मों में एक बड़े अभिनेता के रूप में नाम कमाया है। उनकी कई फिल्में बॉलीवुड में अपना बड़ा नाम कमा चुकी हैं। शानदार भूमिका के लिए उन्हें 1971 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 1974 में बॉबी फिल्म के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और उसके बाद में 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी अन्य सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ऋषि कपूर के सभी फिल्मों में उनका एक अलग ही किरदार नजर आता है। कभी वह जोकर बनते हैं व कभी वह एक अलग ही रूप में नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमेशा याद रहेंगी, जैसे कि मेरा नाम जोकर, राजा, कभी कभी, अजूबा, शेषनाग, चांदनी। ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जिसमें ऋषि कपूर जी ने बहुत ही बढ़िया काम और बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। ऋषि कपूर जी बॉलीवुड के साथ अपने पारिवारिक जीवन में भी उन्होंने हर रिश्ते को मजबूती से निभाया है। ऋषि कपूर जी की पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ बातें करते हैं। ऋषि कपूर जी की शादी 22 जनवरी 1980 में नीतू सिंह के साथ में हुई। उसके बाद में उन्हें दो बच्चे हुए, जिसमें से एक का नाम रणवीर कपूर और दूसरे का नाम रिधिमा कपूर है। रणवीर कपूर को हम सभी अच्छे से जानते हैं। रणवीर कपूर अभी बॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं। वह रिधिमा कपूर एक फैशन डिजाइनर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। ऋषि कपूर जी ने आज 30 अप्रैल 2020 को हम सभी से अलविदा कह दिया, लेकिन उनको उनकी कुछ यादें हम लोगों के बीच में हमेशा मौजूद रहेंगी। ऋषि कपूर भारत में एक बड़े अभिनेता के रूप में हमेशा जाने गए हैं और इतिहास में भी उनका नाम एक बड़े अभिनेता के रूप में ही लिया जाएगा। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी कुछ फिल्में हमेशा उनकी याद करवाते रहेंगे। ऋषि कपूर को आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और हम उम्मीद यही लगाते हैं उनके परिवार को वह हिम्मत व वह शक्ति दे जिससे कि वह आगे जीवन में सफल हो। धन्यवाद।